नमस्कार, मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य आज सैनी विकास महापंचायत कार्यक्रम में बिजनौर के रामलीला पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के तहत अध्यक्ष बीती रात को 11 बजे बिजनौर के नूरपुर के सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए पहुंचे थे, तभी गाड़ी निकालने को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ गाली गलौज करने का मामला संज्ञान में आया है। पता चला है कि असामाजिक तत्वों द्वारा गाली गलौज करके मारपीट भी करने की कोशिश की गई है। इस घटना को लेकर केशव देव मौर्य ने बताया कि आज उनका कार्यक्रम बिजनौर के रामलीला मैदान में है। इस कार्यक्रम को लेकर मैं बीती रात नूरपुर के गेस्ट हाउस में अपने बेटे किशन व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ अपनी दो गाड़ियों के साथ गेस्ट हाउस पर पहुंचा था। तभी एक गाड़ी गेस्ट हाउस के अंदर आई और उसमें बैठे लोग नशे में चूर थे और उन्होंने मेरे ड्राइवर और गेस्ट हाउस के चौकीदार के साथ बदतमीजी करने लगे। हल्ला गुल्ला सुनकर मैंने अपने बेटे किशन व प्रदेश उपाध्यक्ष को कहा कि आप जाकर देखो और समझा बुझा कर इन लोगों को यहाँ से हटा दो। इसी दौरान नशे में धुत तीन लोगों ने महान दल को गाली देते हुए हमारे लोगों के साथ जमकर गाली गलौज की और उनके साथ मारपीट करने की भी कोशिश की। यह कोई अन्य लोग नहीं बल्कि बीजेपी के समर्थक थे। महान दल के अध्यक्ष ने बताया कि हमारे द्वारा थाने में आज तहरीर दी गई है। मैं पुलिस से मांग करता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। भाई जी बताइए, ये मामला जो है आपके जो ये कैसा प्रताप जी हैं, इन पे जो हमला हुआ है क्या मामला है? रात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद जी बिजनौर में, क्योंकि आज रैली है, उसके संबंध में यहाँ गेस्ट हाउस आए थे। कुछ असामाजिक तत्व जिनकी पहचान कर ली गई है और जैसा चौकीदार ने उनका नाम भी बताया है, जिस तरीके उन्होंने ये हरकत की है, हम पुलिस से मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। उनके ऊपर FIR की हमने तहरीर दे दी है और FIR करा करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, ये थाने में तहरीर जो दी है कब दी गई है? अभी हम लोगों ने लिख करके दी है। अभी अभी दी है। जी जी सर, आपके साथ जो मामला हुआ है वो क्या मामला है? आज 16 नवंबर को महान दल की रैली है बिजनौर में। कल मैं रात में 11 बजे यहाँ जब पहुँचा तो दो तीन गाड़ियाँ मेरे साथ थी। हम लोग गाड़ी खड़ी करके अंदर आए, इतने में कोई गाड़ी बाहर से आई और वो जोर जोर हॉर्न बजाती रही करीब दो तीन मिनट तक। फिर वो उतर कर हमारे ड्राइवर से और यहाँ के गार्ड से जोर जोर झगड़ा करने लगे और महान दल को गाली देने लगे कि भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे, तो आज महान दल की गाड़ियाँ अंदर कैसे आई। तो हमने अपने बेटे और प्रदेश अध्यक्ष कुमार यादव जी थे, हमारे बेटे किशन थे, उनको भेजा। मैंने कहा देखो कोई मारपीट ना हो, समझा बुझा कर काम करा दो। तो नशे में धुत थे तीन लड़के और उन्होंने गाड़ी हटाने के लिए कहा, तो सुकुमार जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि गाड़ी निकलने पर की जगह तो है, आपका गाड़ी हटवाना था। कहने गाड़ी हटवाइए। तो चूँकि गाड़ी जिसकी थी वो बाहर चला गया था, तो चाबी मंगाई गई, लेकिन वो इतना बवाल कर रहे थे, मारपीट में उतर गए। तो मैं निकला, मैं जबकि ड्रेस में नहीं था, लोअर टी शर्ट पहना था, तो मैं बाहर निकला तो मैंने हाथ जोड़ा और मैंने मारपीट न करने के लिए निवेदन किया कि आप झगड़ा ना करें। मैंने बुलाया, इतने वो लड़का जिसकी गाड़ी थी चाबी लेके आ गया, गाड़ी हटा के किनारे किया। उतने बुने संतोष ने कहा गाड़ी बाहर करिए, हम आंदोलन की गाड़ी अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, तो आपको पता है कि वो नूरपुर के थे या कहीं और से आए थे? मुझे, मैं तो उन्हें जानता नहीं, लेकिन नशे में धुत थे और लोकल थे, ये गार्ड ने बताया कि यहीं आसपास के कहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी से थे वो? मुझे कुछ नहीं लगता, लेकिन ये है कि बीजेपी सॉरी जो गार्ड है उसने बताया गोरक्षा दल के लोग। बिजनौर की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।